स्वागत है दोस्तों मिस्टीरियस फैक्ट्स इन हिंदी चैनल का एक और वीडियो में। दोस्तों आप सब लोग सोचते होंगे कि वीडियो इतना लेट क्यों आता है। मैं बता दूं कि मैं गवर्नमेंट में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में काम करता हूं, इसलिए आजकल टाइम बहुत ही कम मिल रहा है। लेकिन आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं जब भी वीडियो बनाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग वीडियो में से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर हासिल कर पाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो शायद हमारे ये रहस्यमय दुनिया के अंदर छिपे कुछ सीक्रेट्स रिवील करता है। और शायद ये सारी चीज़ें इत्तेफाक हो सकता है, या तो सच में कोई गहरा रहस्य हो सकता है, और या तो फिर ये सारे वीडियोस के पीछे कुछ पुख्ता साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है। जो भी हो, हर एक वीडियो का पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। नंबर 5, मैन सीज फ्यूचर डिजास्टर। मार्च 2019 में हिडन अंडरबेली 2.0 नाम की एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ यह वीडियो बेसिकली एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है। टर्की के अडाना सिटी में रिकॉर्डेड ये फुटेज शायद कोई दुकान या स्टोर के सामने के रस्ते की होगी। ये वीडियो में आप लोग एक एजेड गंजे इंसान को देख पा रहे हैं। उनके पीछे नॉर्मली रस्ते पे चल रहा एक और इंसान ने अचानक ही उस गंजे इंसान के पीठ पे थपथपा दिया, जैसे मानो कि वो उस इंसान को बुला रहा है। और जैसे कि उस गंजे इंसान ने पीछे मुड़ के देखता है, तभी रस्ते पे चल रहा एक ट्रक के पीछे का कोई लंबा सा गेट जैसा स्ट्रक्चर स्विंग होके उस गंजे इंसान के नाक के नीचे से निकल गया। वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि अगर वो दूसरे इंसान उस पहले वाले गंजे इंसान को ना बुलाया होता तो बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो सकता था, जिसमें उस गंजे इंसान का मौत भी हो सकता था। ये वीडियो टर्की में हाल ही में वायरल हुआ है और टर्की का मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ये फुटेज बहुत बार दिखाया है। क्या वो पीछे वाला इंसान सच में आने वाले पल को देख पाया, और शायद क्या इसीलिए वो इंसान ने उस गंजे इंसान को बचा लिया, या ये सिर्फ पूरा घटना एक इत्तेफाक ही है। किसी ने इस मुद्दे पे टाइम ट्रेवल का भी संयोग नोटिस किया है, लेकिन मुझे सिंपली ये फुटेज ह्यूज कोइंसिडेंस या इत्तेफाक लगा। जो भी है, आप लोग अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। नंबर 4, जैंट फेस इन द स्काई। सितंबर 2011 में मैथ्यू मार्ले नाम की एक YouTube चैनल पर अपलोड हुआ यह वीडियो का लोकेशन है कनाडा का न्यू ब्रंसविक शहर का डाउनटाउन एवेन्यू। माहौल देख के लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। पूरी जगह को काले बादल घेर लेते हैं और कैमरा का फोकस जब हॉरिजन पे एक गहरा काले बादल पे फोकस होता है, तब उस बादल का शेप चेंज होता हुआ देखा जा सकता है और धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ा इंसानी शक्ल जैसा शेप अपीयर होता है। ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे क्लाउड्स को निगलते हुए आगे बढ़ रहा ये जायंट क्लाउड कोई जायंट इंसान ही है जो आसमान पे तैरते हुए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आसमान के बादलों का अलग अलग शेप में देखना कोई नई बात नहीं है, और तूफान के टाइम पे ये शेप चेंज काफी फ्रीक्वेंट होता है। बेसिकली सिरस क्लाउड का ही ज्यादातर ऐसा शेप होता है। सिरस क्लाउड्स का 10 अलग अलग प्रकार होते हैं और इनमें से सिरस कैस्टेलेनियस या V4 टाइप का क्लाउड का इंसानी शक्ल या कोई जानवर की शक्ल ऐसा टाइप होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये V4 बेसिकली जाइगेंटिक टावर जैसा होता है। इस वीडियो में भी शायद क्लाउड सिरस टाइप 4 होंगे, और ये वीडियो में अगर आप नोटिस करेंगे तो देख पाएंगे कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो दो इंसानी शक्ल जैसा शेप अपीयर होता है। किसी का तो ये भी कहना है कि ये क्लाउड्स वाले फेस खुद जीसस का है, और कोई कोई कम्युनिटी ने कहा है कि ये फेस डेविल का है। आप लोगों को क्या लगता है? नंबर 3, इंसेक्ट एपोकैलिप्स। जून 2019 में किलर चिक 666 नाम की एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अजीब है। साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में कैप्चर हुआ ये वीडियो बेसिकली एक फैमिली पिकनिक में लिया गया था। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि एक फैमिली गाड़ी पार्क करके शॉर्ट वॉक के लिए निकले थे, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने जो देखा वो उन लोगों के होश उड़ा दिया। लाखों करोड़ों की तादाद में कुछ कीड़े चारों ओर छाए पड़े थे। उन कीड़ों की तादाद इतना ज्यादा था कि जमीन भी नजर नहीं आ रहा था, और धीरे धीरे उन कीड़ों की फौज ने गाड़ी को भी पूरी तरीके से कवर कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा जमीन ही मूव हो रहा है।
उस परिवार के मुताबिक जब वो लोग गाड़ी पार्क किए थे तब वहां पे एक भी इंसेक्ट या कीड़ा नहीं था और सिर्फ 2 घंटों में इतने सारे कीड़ों का आना एक अजीब बात है। कुछ एंटोमोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये सारे इंसेक्ट्स वुडलाउज या तो सी स्लेटर्स या ऐसा कुछ हो सकता है और कीड़ों का ऐसा बिहेवियर उन एंटोमोलॉजिस्ट्स को भी अननेचुरल लगा। लेकिन दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि ये बेसिकली एक टाइप का माइग्रेशन है जो सी स्लेटर्स को खास करके गर्म जगह पे आकर्षित करता या ले जाता है और उस गाड़ी का इंजन शायद गर्म था और शायद इसीलिए ये अजीब बिहेवियर देखने को मिला। और उसके बाद आज तक केप ऑफ गुड होप और उसके एरिया में और कोई भी ऐसी चीजें नहीं हुआ। नंबर 2, शैडो फॉलोइंग मैन। अप्रैल 2018 में दुनिया पेरिस्तीवा नाम की एक YouTube चैनल पे अपलोड हुआ ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रीपी और अजीब है। शायद मिडिल ईस्ट के किसी देश का ये फुटेज में एक अननोन लोकेशन पे किसी गोडाउन या दुकान के बाहर एक ट्रक आके रुकता है। ट्रक का ड्राइवर फिर गाड़ी से निकलता है और पैदल रोड क्रॉस करने लगता है और जब वो ड्राइवर रोड क्रॉस कर रहा होता है तब उसकी परछाई या शैडो बहुत ही अजीब बिहेव करता है। शैडो नॉर्मली ग्राउंड पे कास्टेड होता है लेकिन यहाँ पे इंसान के साथ साथ उसका शैडो भी खड़ा था जैसे कोई यहाँ की जब एक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी उस ट्रक ड्राइवर पे गिरता है तब भी उसका शैडो सीधा खड़ा रहता है। अगर वीडियो के शुरुआत पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो देख पाएंगे कि जब वो ड्राइवर ट्रक से निकल रहा था तब ही वो डार्क शैडो भी ट्रक से नीचे उतरा और जब वो ड्राइवर ट्रक के पीछे से क्रॉस कर रहा होता है तब आप लोग क्लियरली उसकी असली परछाई और वो डार्क फिगर दोनों को एक साथ में देख पाएंगे। बहुत सारे लोगों के मुताबिक ये फिगर एक शैडो पर्सन है और ये पार्शियली विजिबल होता है और सिर्फ पेरिफेरल विजन से ही ऐसा डार्क शैडो फिगर को कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है ये बेसिकली कैमरा शटर स्पीड ओवरलैपिंग की वजह से ही इमेज बाइफर्केट हो गया है और एक ही आदमी का दो दो इमेजेस एक साथ पेरिफेरी में ओवरलैप हो गया जस्ट लाइक रील वाली कैमरा का नेगेटिव और पॉजिटिव। नंबर 1, वुमन पॉसेस्ड बाय अ विच। ब्रैड मैक यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत ही जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और वो अपने टीम के साथ काफी सारे हॉन्टेड हाउस या हॉन्टेड लोकेशन में जा चुके हैं और उन्होंने खुद सारी अफवाहों को झूठा साबित किया है। लेकिन दिसंबर 2017 में ब्रैड मैक और उनके टीम यूनाइटेड किंगडम के एसेक्स काउंटी में स्थित केज नाम की एक हॉन्टेड जगह पे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और यहाँ पे शायद ब्रैड मैक को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था। केज बेसिकली एक मीडिएवल प्रिजन था और यहाँ पे विचक्राफ्ट या जादू टोना करने वाले बहुत सारी औरतों को बंदी बनाया गया था और उन औरतों में से अर्सुला केम्प नाम की औरत बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। बेसिकली अर्सुला एक अच्छी इंसान थी और जादू टोने से बहुत लोगों को फायदा भी कर चुकी थी लेकिन जादू टोना गैर कानूनी था इस वजह से अर्सुला को सन 1582 में केज के बाहर फांसी दिया गया था। उसके बाद से ही केज में हॉन्टिंग का घटना चालू हुआ जो आज भी बरकरार है। ब्रैड मैक जब इस जगह पे इन्वेस्टिगेट करने आए तब इस जगह के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था और एक छोटा कंट्रोल रूम भी बनाया गया था और यहाँ पे एक कैमरे ने जो फुटेज कैप्चर किया वो आप लोगों को हैरत में डाल देगा। जब एक कमरे पे मैक की टीम की कुछ मेंबर्स इकट्ठा होता है तब अचानक से ही एक लड़की की शक्ल थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है और जहां तक लगता है उस लड़की का शक्ल धीरे धीरे एक विच जैसा होने लगता है। उसकी नाक लंबी हो जाती है और थोड़ा सा वो आगे झुक जाती है। आंखों के नीचे कलर बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है और उनकी स्माइल भी काफी डरावना लगने लगता है। ये रही वो लड़की की असली इमेज जो पोजीशन से पहले की है। यहाँ पे आप लोग दो तस्वीरों को कंपेयर कर पाएंगे और बाद में उस लड़की की पीठ पे 4 उंगलियों की भी बर्न के निशान थे। जो भी हो ये पूरा घटना फेक या स्टेज्ड भी हो सकता है और वो इमेज एडिटेड भी हो सकता है लेकिन ब्रैड मैक के काफी सारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला और वो खुद लोगों के मन से डर और अफवाह दूर करना चाहते हैं और ये शायद पहली ऐसी घटना है जब मैक ने कुछ पैरानॉर्मल चीजें दिखाई है और ये पूरा मुद्दे पे यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे मीडिया कवरेज भी हुआ था जहां पे डेली हेरल्ड भी शामिल है। जो भी है आप लोग अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और आप लोग चाहते हैं तो खुद गूगल में सर्च करके ये इवेंट्स के ऊपर मीडिया जो कवरेज हुआ था वो भी पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोगों से मेरी एक ही विनती है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को छोड़ के नहीं जाइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम मेरा थोड़ा सा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज़्यादा है काम का। मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मेरे को टाइम मिला सबसे पहला काम मैं ये करूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, और ये मेरा वादा है कि आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर आएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारी आज की वीडियो, तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का।